उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ही गठबंधन के फॉर्मूले को अपनाकर सत्ता पाने की कवायद में जुट गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों से गठबंधन करके अपने को बड़ा पेश करने में लगे हुए हैं। हालांकि सपा के पुराने अनुभवों में गठबंधन उनके लिए ज्यादा मुनीफ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दुरुस्त करने के लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सभी दलों से गठबंधन की गांठ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सपा की नजर इस बार गैर यादव वोटों पर है। पश्चिम में सपा का वोट बेस मुस्लिम समुदाय में है। ऐसे में मुस्लिम वोट क्या समाजवादी पार्टी के पाले में जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 48% लोग मानते हैं कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो रहा है। वहीं 37% लोग इसके अलग राय रखते हैं और 15% लोगों का जवाब है कि उनको इसका जवाब नहीं पता। बता दें कि गठबंधन के दो बड़े प्रयास सपा पहले भी कर चुकी है। 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन न कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर हुआ और न ही उनका वोट इन्हें मिला। 2019 में लोकसभा चुनाव में 29 साल बाद सपा बसपा ने गठबंधन किया। सपा का वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ, न ही मायावती का वोट सपा को ट्रांसफर हुआ। अगर ऐसा होता तो बड़ी सफलता मिलती। अभी जो गठबंधन है उसमें वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी सपा ने ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं ओवैसी का नया दाव है कि यूपी में यदि जाट नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो एक मुस्लिम को क्यों नहीं। दरअसल ओवैसी का इशारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच हो रहे गठबंधन को लेकर था। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक करीब 20% है। सूबे की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा हैं। 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20-30% है। ओवैसी 55 जिलों की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि ओवैसी कहीं उनका खेल बिगाड़ न दें। मुस्लिम बहुल वाली 143 सीटों पर बीजेपी तभी जीत सकती है जब मुस्लिम वोट एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम में बट जाए। अखिलेश की टेंशन यही है कि वो किसी भी हाल में मुस्लिम बहुल सीटों को हाथ से जाने देना नहीं चाहते, वरना समाजवादी पार्टी का खेला बिगड़ जाएगा। यदि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम वोट बैंक रामपुर में है। रामपुर की बात करें तो यहाँ जिलेवार मुस्लिमों की तादाद 48-51% है। पिछले चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर अपना परचम फहराया था, जिसमें स्वार विधानसभा, चमरब्बा विधानसभा और रामपुर विधानसभा शामिल हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम विधायक चुने गए थे। तब की बात कुछ और थी, क्योंकि उस वक्त आजम खान जेल में नहीं थे। अब अखिलेश ने आजम खान से दूरी क्या बनाई, ओवैसी ने खुद को आजम खान का हमदर्द बताना भी शुरू कर दिया। अब आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी, खैर सियासत में कुछ भी हो सकता है, ओवैसी खुद को मुस्लिम वोट बैंक का ठेकेदार बताने में जुटे हुए हैं। अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं, जिससे अखिलेश डरे हुए हैं। रामपुर के अलावा मुरादाबाद में 45-50%, संभल में 48-50%, बिजनौर में 42-45%, सहारनपुर में 40-45%, शामली में 38-42%, मुजफ्फरनगर में 40-42% मुस्लिम वोट बैंक है। यदि ऐसी सीटों पर ओवैसी जोर आजमाएं तो अखिलेश की चिंता बढ़ना वाजिब है। अगर AIMIM, BSP और कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी ली तो समाजवादी पार्टी का खेल यकीनन बिगड़ सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बीजेपी नेताओं ने यूपी में सिर्फ अखिलेश यादव को टारगेट करना शुरू किया है, उससे अब यूपी की लड़ाई सिर्फ दो ध्रुवों में योगी बनाम अखिलेश के बीच बनती जा रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण अखिलेश के पक्ष में होता जा रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर अखिलेश ने पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD के जयंत चौधरी के साथ
अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती मिलेगी, जहां जाट और मुस्लिम वोटों का एकजुट होना बीजेपी का खेल खराब कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की अखिलेश यादव से बात और मुलाकात चल रही है। आगे चलकर अगर चुनाव रिजल्ट में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो छोटी छोटी सरकार विरोधी पार्टियां और कांग्रेस का साथ भी मिलना आसान होगा। यूपी में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटरों की संख्या लगभग 14% है। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर बीजेपी ने इसी 14% वोट बैंक में ओबीसी वोट के सहारे प्रचंड बहुमत हासिल किया था। लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। उसके बाद से ही केपी मौर्य की सीएम योगी से नाराजगी जाहिर है और 2022 के लिए तो पीएम और पार्टी ने अभी से योगी आदित्यनाथ को सीएम का चेहरा घोषित कर रखा है। ऐसे में 14% मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटरों की बीजेपी से नाराजगी इस बार साफ दिख रही है। ऐसे में महादल के नेता केशव देव मौर्य को अखिलेश यादव ने अपने साथ लाकर अपना खेमा और मजबूत कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी छोटे दलों को अपने साथ लाने का यह दाव अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी करा पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।